हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना की बात यहाँ पर की जा रही है। परमाणु आपका क्या था? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण था जिसको अलग अलग दार्शनिकों ने कहा कि इसे हम इनडिविजिबल मान लेंगे, यानी कि ये अविभाज्य। बाद में अलग अलग एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ कि ये सूक्ष्मतम तो होगा लेकिन इनडिविजिबल नहीं होगा। सबसे छोटा कण इसको बोला जा सकता है, लेकिन इस कण के अंदर भी और छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनमें की अलग अलग से आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे गए, जिनमें की मेन तीन थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति का पता करने के लिए अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स आए, जिसमें आपने टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा और बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा। टॉमसन के परमाणु मॉडल को आधार मानकर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपना परमाणु मॉडल दिया। वहीं पर रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए बोहर का परमाणु मॉडल आता है। ओके, बोहर के परमाणु मॉडल ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन एटम की बहुत अच्छे से व्याख्या की, अलग अलग चीजें उन्होंने वहां पर बताई। और लास्ट सेशन में हमने उस हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम की बात की और स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि जब ट्रांजिशन आपके होंगे तो वहां पर ट्रांजिशन में आपके इस तरह की लाइंस आपको देखने को मिलती हैं, जिनको अलग अलग सीरीज कहा गया। पहला आपका था लाइमन सीरीज, दूसरा आपका था बामर सीरीज, तीसरा आपका पाशन सीरीज था, चौथा था आपका ब्रैकेट सीरीज और पांचवा था पीफुन सीरीज। ओके, इन सारी सीरीज में हमने क्या देखा था कि किस प्रकार से जब भी आपका उत्सर्जन होगा रेडिएशन का, तो वो रेडिएशन किस वेव के फॉर्म में निकलेगी या कौन सी रे में निकलेगी, और साथ ही वहां पर जब हायर से लोअर क्लास में, क्लास यानी लेवल, हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आपका जब इलेक्ट्रॉन आएगा और एनर्जी को इमिट करेगा, उस रेडिएशन के कारण जो स्पेक्ट्रम बनेगी वहां पर आपको लाइन देखने को मिलेगी, और ये लाइन अलग अलग सीरीज की होंगी। जब ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा, वापस फर्स्ट एनर्जी लेवल में वापस आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन एनर्जी लेवल से, तो वो सारी सीरीज किसकी होंगी, वो जो लाइंस बनेंगी वो लाइमन सीरीज की होंगी। और इसको हमने कहा था कि ये यूवी लाइट में आपको देखने को मिलेगी, यूवी रेडिएशन। वहीं पर हमने कहा कि जब आपका जो उत्सर्जन होगा या जब आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से सेकंड जो आपकी एनर्जी लेवल है उस पर आता है, तो इस ट्रांजिशन में जो आपकी लाइंस बनेंगी वो बामर सीरीज की बनेंगी और ये विजिबल लाइट के अंतर्गत इनको आप पढ़े। ओके, थर्ड आपका था पाशन सीरीज जो आईआर के अंतर्गत आता है, और इस सीरीज की लाइन कब बनती है, जब आपका जो ट्रांजिशन है वो कहां से हो रहा है, 6, 5, 4 से 3 पर हो रहा है। ओके, यानी तीसरी एनर्जी लेवल पर जब आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है हायर एनर्जी लेवल से, तो वहां पर पाशन सीरीज देखने को मिलेगी। ब्रैकेट सीरीज कहती है कि अभी जो ट्रांजिशन होगा वो फोर्थ तक होगा, यानी फोर्थ से ऊपर की किसी हायर एनर्जी स्टेट से फोर्थ पर जब आपका इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको ब्रैकेट सीरीज की लाइन वहां पर निकलेंगी और ये भी आईआर के अंतर्गत आएंगी। ओके, और इसके अलावा जब 5 पर आपका इलेक्ट्रॉन आएगा हायर एनर्जी लेवल से, पांचवी एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, नीचे के लेवल पे आएगा, तो इसको पीफुन सीरीज कहा जाएगा और ये भी आपका आईआर रेडिएशन के अंतर्गत आएगा। ओके, इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। साथ में हमने क्या बोला था कि अभी जो रेडिएशन यहाँ पर निकल रहा है, जब भी आपका क्या हुआ हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस केस में रेडिएशन को इमिट करता है इलेक्ट्रॉन, और वो इमिशन जब होगा वो इमिशन
करने वाले रेडिएशन की कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए, लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको इनके बीच के एनर्जी लेवल का पता होना चाहिए या इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उसका पता होना चाहिए। ओके तो आपको अलग अलग एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज बताई गई होंगी, डिफरेंस आप निकाल लेंगे, वहां से आप न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं और न्यू की वैल्यू जब आपको ज्ञात हो जाएगी तो आप वेवलेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं कि जब आपका जैसे N2 से N1 पे इलेक्ट्रॉन आया है उस केस में कितनी वेवलेंथ की लाइट को उसने इमिट किया। ओके लाइट यानी वही वेवलेंथ। ओके तो आप वहां पर आपको बताया गया होगा कि N2 की एनर्जी क्या है, N1 की एनर्जी क्या है, उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है, या आपको फ्रिक्वेंसी दी गई होगी। फ्रिक्वेंसी दी गई होगी तो इजी हो जाता है क्योंकि आपको पता है न्यू इज इक्वल टू जो आपका लैम्डा और पूरे उसके बीच में रिलेशन होता है उसके आधार पर लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, लैम्डा जहां पर आप कहते हैं, एच जहां प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल हो जाएगी। तो इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया था लास्ट सेशन में। अभी हम क्या कहते हैं, अभी कहते हैं कि बोहर का मॉडल हमने अच्छे से समझ लिया, जिसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी बता दिया, हाइड्रोजन एटम की तरह जितने अलग आयंस बन रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने समझा दिया है। अब कुछ तो कमियां होंगी इसमें कि जिसके कारण ये उतना अच्छा नहीं था। तो कमियां क्या क्या थी, कितनी चीजें वो नहीं बता पाया, इसको हम आगे पढ़ें। ओके तो लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल वाज टू सिंपल टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। लिमिटेशन में आप क्या क्या पढ़ेंगे, सीमाएं उसकी क्या क्या थी, कमियां क्या क्या थी, सीमाएं क्या बताता है कि कहां तक उसकी कमियां थी। तो यहां पर जैसे हमने बोला कि इसने क्या बोला, हाइड्रोजन की बात की कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होगा, और क्या बोला, हाइड्रोजन की तरह दिखने वाले जो आपकी आयंस है, हाइड्रोजन की तरह कौन दिख रहा है, हीलियम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो दिख रहा है, लिथियम पर अगर दो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं वो दिख रहा है, बेरिलियम पर अगर तीन पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं वो दिख रहा है। तो ये सब हाइड्रोजन ही तो है, लगभग सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसने बात की है। तो समझते हैं, जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में ये न्यूक्लियस हो गया और इसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इस स्ट्रक्चर की उसने बात की। जब हमने हीलियम की बात की तो हीलियम में क्या होता है, नॉर्मल हीलियम एटम, ये पहली कक्षा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा He प्लस होगा यानी ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा हो जाएगा, सेम ऐसा ही हो जाएगा, हाइड्रोजन जैसा हो गया He प्लस का, ये He का है और ये He प्लस का है। ओके फिर लिथियम की बात करते हैं, लिथियम में क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर पहली कक्षा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरी कक्षा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब उन्होंने क्या कहा, ये तो नॉर्मल लिथियम है, लेकिन हमने उन्होंने किस चीज को समझाया, लिथियम प्लस टू को समझाया, यानी दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो फिर ये क्या बन जाएगा, फिर से हाइड्रोजन जैसा बन गया लिथियम प्लस टू। फिर उन्होंने कहा बेरिलियम प्लस थ्री, यानी बेरिलियम में आपके चार इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दो इलेक्ट्रॉन बाद की कक्षा में, उन्होंने कहा तीनों को निकाल दो बाहर, प्लस थ्री बन जाएगा, तो ये भी किसकी तरह, हाइड्रोजन की तरह, ये आपका बेरिलियम प्लस थ्री और ये बेरिलियम। तो सब जगह आपको क्या दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन जैसा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का जैसा है, वैसी हीलियम प्लस का है, लिथियम प्लस टू का है, बेरिलियम प्लस थ्री का है। तो यानी ओवरऑल उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, अन्य किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में या अन्य किसी एटम के बारे में वो नहीं समझा पाए, वो एक ही इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करते ही चले गए सब जगह। तो जब बात करेंगे और परमाणुओं की तो उनके बारे में कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया था। ओके तो क्या समझ में आता है, बोहर का परमाणु मॉडल जो था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तो अच्छे से व्याख्या करता है, कई चीजों को समझाता है, लेकिन अन्य परमाणुओं के लिए वो व्याख्या नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर उसकी लिमिट लग गई, यानी लिमिटेशन उसकी सीमा यहाँ पर है, यही उसकी कमी है कि वो और चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने आयंस की बात की, लेकिन कौन से स्पीशीज थी, कौन से आयन थे जो हाइड्रोजन की ही तरह थे, जिनमें हाइड्रोजन की तरह एक ही इलेक्ट्रॉन था। ओके तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए। इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स द ब्लेड दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन। द्विक प्रकृति के बारे में नहीं बता पाए। ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। यही हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के अलावा किसी और स्पेक्ट्रम की वो व्याख्या नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम विच पजल्स ओनली टू इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन के छोड़कर हीलियम की बात भी की जाए, बड़े किसी एटम को नहीं लेते हैं जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ हीलियम की बात की जाए जिसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, अगर उसकी भी बात की जाए तो उसके बारे में भी वो व्याख्या नहीं कर पाए। फर्दर बोहर थ्योरी वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ज़ीमान इफेक्ट और एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज योर स्टार्क इफेक्ट। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो रेडिएशन निकल रहा है, किसकी बात की, जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन्स है उनकी स्प्लिटिंग हो रही है। यानी अगर आपका ये EMR रेडिएशन है, इसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो ये स्प्लिट हो जाती है, इसमें और पतली पतली लाइन्स आपको देखने को मिलती है। तो ये इसी को ज़ीमान इफेक्ट कहा गया। इस ज़ीमान इफेक्ट की व्याख्या बोहर नहीं कर पाए, वो नहीं बता पाए कि क्यों जब EMR को या रेडिएशन को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गुजारा जाता है तो वहां पर वो स्प्लिट हो जाती है, ओके, इसके बारे में, या और पतली पतली लाइंस में उसका विभाजन हो जाता है, उसको वो नहीं समझा पाए थे, ओके। वहीं पर उन्होंने क्या कहा कि अगर उसी को आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजारा जाता है, उसी रेडिएशन को अगर इस प्रकार से पॉजिटिव या निगेटिव फील्ड में गुजारा जाता है तो इस रेडिएशन का की जो वेव है ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, इसके बारे में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और इसी इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, स्टार्क इफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो आपका बोहर मॉडल, एक तो आपने क्या बताया कि जो ये डबलेट के बारे में वो नहीं बता पाए, यानी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है स्पेस में लाइन है जो क्लोजली एक के बाद एक है उनके बारे में वो नहीं बता पाया, हाइड्रोजन के अलावा किसी और अन्य एटम, यहाँ तक कि हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम एटम आता है जिसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है उसकी तक, उसके स्पेक्ट्रम की तक व्याख्या नहीं कर पाए। और वहीं अगर हम बात करते हैं ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, इनकी भी वो व्याख्या नहीं कर पाए, जहाँ पर ज़ीमान इफेक्ट आपका कहता है कि रेडिएशन को अगर मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो और पतली पतली हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है। दूसरा, स्टार्क इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाए, जो आपका क्या कहता है कि अगर रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है तो वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो इसके बारे में भी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। ओके, साथ साथ नोट करेंगे, आगे देखिए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। अब उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे और वहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, उन केमिकल बॉन्ड्स की भी वो व्याख्या नहीं कर पाए। इन अदर वर्ड्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉइंट मेंशन्ड अबव, वन नीड अ बेटर थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द सेलियंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम्स। यानी उन्होंने बहुत सिंपल एटम हाइड्रोजन की तो बहुत अच्छे से व्याख्या कर दी, उसके स्पेक्ट्रम के भी बारे में बता दिया था बहुत अच्छे से, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एटम थे या जब एटम एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, उसके बारे में नहीं बता पाए। रेडिएशन को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है, उसमें जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे उनके बारे में वो नहीं बता पाए। यानी हाइड्रोजन ओवरऑल हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की ही सिर्फ उन्होंने व्याख्या की, उसके अलावा उन्होंने किसी चीज की व्याख्या नहीं। ओके, साथ ही उन्होंने ऑर्बिट के बारे में तो बताया कि ऑर्बिट क्या होती है। ऑर्बिट उन्होंने क्या कहा था कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ का क्या मतलब है, एक ही प्लेन में। अगर मैं इस स्क्रीन में इनको बना रही हूँ, इस बोर्ड पे इनको बना रही हूँ, तो मतलब ये क्या है, एक ही डायमेंशन में, वृत्ताकार पथ जिनको कहा जा रहा है।
तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए ये वृत्ताकार इसी पथ होते हैं जो वो इसी तरह रहते हैं? तो ये इस तरह नहीं रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? ये थ्री डायमेंशनली रहते हैं, जिनको ऑर्बिटल कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की संभावना है वो ऑर्बिट में ना होकर के ऑर्बिटल में होता है। ओके, ऑर्बिट और ऑर्बिटल को समझिए। ऑर्बिट आपका कहता है कि जो वन डायमेंशनल है, जिसे वृत्ताकार पथ कहा जा रहा है। ऑर्बिटल का मतलब क्या है? अगर पहली जो आपकी ऑर्बिट है वो यू है इस तरह से इलेक्ट्रॉन की, तो दूसरी ऑर्बिट आपकी ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है। ओके, यानी वो एक्स प्लेन में हो सकती है, एक्स वाई प्लेन में हो सकती है और जेड प्लेन में हो सकती है। इस तरह से आपकी ऑर्बिट्स होती है, समझिए। आपका ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक ऑर्बिट इस तरह से है, इसके बाहर दूसरी ऑर्बिट यहां हो सकती है, तीसरी ऑर्बिट यहां हो सकती है। तो इस तरह से आपकी ऑर्बिट्स होंगी जो थ्री डायमेंशनल प्लेन में होंगी और उनको ऑर्बिटल कहा जाएगा। यानी स्पेस में जहां भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है उसको ऑर्बिटल कहा जाएगा। तो वो ऑर्बिटल के बारे में नहीं बता पाए थे कि ऑर्बिटल क्या होगा, यानी अभी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो पता नहीं लग पाई है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, उससे पहले टॉमसन ने क्या कहा था? टॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव पार्ट के ऊपर बिखरा हुआ है। जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा बिखरा हुआ नहीं है, ये किसी वृत्ताकार पथ पे है, ऑर्बिट कक्षा में इसके पाए जाने की संभावना है। ओके, उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन बोहर ने किया। उन्होंने कहा इसके अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होंगे, अपनी अपनी ऊर्जाओं के आधार पर इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी लेवल्स में पाए जाएंगे, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि जो वो कक्षाएं हैं वो ऑर्बिट ना होकर के ऑर्बिटल यानी थ्री डायमेंशनली वो कक्षाएं होंगी। ओके, तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जब वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे तो वो एटम के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को भी नहीं बता पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स के बारे में पता नहीं है तो आप एटम के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल आप क्या कहेंगे अगर कंक्लूड करते हैं तो मॉलिक्यूल का क्योंकि स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल होता है तो उसकी भी कल्पना या उसके बारे में बताया जाना भी यहाँ पर असंभव था। तो बोहर की एक और लिमिटेशन यहाँ पर आती है जो कहती है कि ऑर्बिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी तक, और ना ही बोहर की थ्योरी में इसके बारे में कुछ बताया गया है। ओके, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप एक साथ कंक्लूड करते हैं बोहर्स के मॉडल की लिमिटेशन को, तो वो आपको क्या क्या नहीं बता पाई। हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी और एटम की व्याख्या नहीं हुई, उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हुई है, उसके अलावा ऑर्बिटल की व्याख्या नहीं की गई है इसमें कि ऑर्बिटल आपका क्या होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थायित्व की बात की गई है, स्पेक्ट्रम की बात की गई है, लेकिन उसके अलावा कोई अगर आप कॉम्प्लेक्स एटम लेते हैं तो उसके बारे में नहीं बताया गया है। यानी अगर एटम एटम मिल करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बात की गई है। साथ ही आप अगर केमिकल बॉन्ड कह रहे हैं कि एटम एटम की फॉर्मेशन में केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं तब आपका मॉलिक्यूल बनता है, तो उस केमिकल बॉन्ड की व्याख्या नहीं की गई। इतनी चीजें हमने यहाँ पर देखी। साथ ही हमने बोला कि वो रेडिएशन में जीमान इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो उनकी भी यहाँ पर व्याख्या नहीं हुई है। तो अगर हम बात करें कि इतनी चीजें अभी बच रही हैं, छूट रही हैं, कि जिनको समझना बाकी था, तो इसका मतलब है कि उनकी कमियों को दूर करने के लिए कोई और अच्छा मॉडल आया होगा जिसने इन सब की व्याख्या की होगी। अभी भी हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है कहाँ पर और वो किस तरह से, अगर वो घूम रहा है तो उसका घूमना किस तरह से हो रहा है, यानी उसका मूवमेंट क्या है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्थिति यानी कि पोजिशन जो उसकी है उसके बारे में पता नहीं लगा है। तो उसको पता लगाने के लिए हमें एक और अच्छा मॉडल चाहिए था, और वो मॉडल हम आगे पढ़ेंगे जो कि आपका क्या है, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और हम क्या कहेंगे, ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल। ओके, इस मॉडल के बारे में आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स का इसके साथ ज्यादा रिलेशन है और बहुत अच्छे से वहां पर समझाया गया है, लेकिन चूंकि हमें मैटर और एटम की बात यहां पर करनी है तो यहां पर भी इस मॉडल को पढ़ा जाएगा। ओके, तो क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल में आप दो चीजों को लेके चलते हैं, एक आपकी क्लासिकल फिजिक्स होती है और एक आपकी मॉडर्न फिजिक्स होती है। क्लासिकल फिजिक्स आपको किस चीज के बारे में बताती है, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बताती है जो आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि आपका
मोशन हो गया, मोशन आपकी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट जहाँ पर आप गाड़ी का देख रहे हो, इंसान का चलना देख रहे हो, या आप प्लैनेट्स को रिवॉल्व करते हुए देख रहे हैं, वहाँ पे आप लॉस पढ़ते हैं अलग अलग, या फिर आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं उनके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारी क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करती है, यानी मैक्रो कंपाउंड जिनको आप कहते हैं उनकी बात करती है। वहीं पर अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो वो पार्टिकल नेचर हो गया, आपका एटम हो गया, इसकी बात करती है, यानी माइक्रो एटम्स की बात करती है, या माइक्रो पार्टिकल की बात, माइक्रो कंपाउंड्स की बात करती है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में ही आपका क्या आता है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आता है वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। ओके, तो अभी बोहर का जो मॉडल था उसमें कुछ कमियां आ गई, तो उसको दूर करने के लिए कोई और मॉडल चाहिए था, तो क्वांटम से हमने मॉडल लिया जिसने अलग अलग चीजें बताई उस एटम के बारे में। ओके, इन व्यू ऑफ द शॉर्टकमिंग ऑफ द बोहर्स मॉडल अटेम्प्ट वर मेड टू डेवलप अ मोर सुटेबल एंड जनरल मॉडल फॉर एटम्स, टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट विच कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सच अ मॉडल वर। ओके, तो यहाँ पर हम दो तरह से इस मॉडल को समझते हैं, दो बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर मिलते हैं दो साइंटिस्ट के, जिन्होंने अपनी अपनी तरह से मॉडल एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। ओके, क्या क्या जानना है हमें अभी अभी हमें एटम के बारे में, एक तो हाइड्रोजन के अलावा और एटम्स की बात करनी है कि और एटम के लिए कौन सा ऐसा मॉडल लगेगा कि जो सबकी व्याख्या कर दे एक साथ सारे एटम्स की। अब इतने सारे एटम्स हैं, सबको अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो ओवरऑल एक मॉडल होना चाहिए जो हमें एटम के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दे कि हाँ एटम ऐसा होगा। ओके, वहीं पर साथ ही उस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि वो है कहाँ पर स्थित एग्जैक्टली, की पोजीशन की बात करेंगे, वो किस वेलोसिटी से घूम रहा है अभी तक पता नहीं चला, वेलोसिटी क्या होगी वो हमें पता है कि ऑब्वियसली घूम रहा है तो कुछ ना कुछ उसका वेग होगा, तो उसके बारे में पता करना था। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमें दो लोगों के मॉडल्स मिलते हैं, एक आपका क्या करता है ड्यूअल नेचर के बारे में बताता है, ड्यूअल बिहेवियर जो होता है मैटर का उसके बारे में बताता है, यानी द्रव्य का द्वैत व्यवहार क्या होगा जो डी ब्रॉगली द्वारा दिया गया है, और वहीं पर सेकेंड है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग द्वारा बताया गया कि जो आपका एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन और उसके साथ साथ वेलोसिटी दोनों ही अनसर्टेन है, या दोनों को एक पॉइंट पर बता पाना असंभव है। ओके, और ड्यूअल नेचर आपका क्या बताता है, ड्यूअल नेचर बताता है कि जिस प्रकार आप एटम को लेके चल रहे हैं अभी तक, एटम बोहर ने क्या कहा कि जो आपका एटम है वो एक कण की भांति है, वो कण की तरह उसको लेकर चल रहे थे, यानी पार्टिकल की फॉर्म में, लेकिन डी ब्रोगली ने कहा कि जिस प्रकार वहां पर आपने ईएमआर को पार्टिकल और वेव दोनों की फॉर्म में देखा है रेडिएशन को, उसी प्रकार जो मैटर है आपका उसका भी क्या होता है आपके वेव की तरह और पार्टिकल की तरह दोनों नेचर होते हैं उसमें। ओके, तो अभी तक आप पार्टिकल नेचर पढ़ रहे थे बोहर्स मॉडल में, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि यहाँ पर आपका एक और नेचर होता है उसको, जिसको वेव नेचर कहा जाता है, इसीलिए ड्यूअल का दोनों नेचर होंगे, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम ड्यूअल बिहेवियर को पढ़ेंगे मैटर। चलिए पहली मॉडल की बात करते हैं, प्योर बिहेवियर ऑफ मैटर, जो किस में मैटर जो किसके द्वारा दिया गया, डी ब्रोगली द्वारा दिया गया। द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगली इन 1924 प्रपोज्ड दैट like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle and wave-like properties. क्या बताया उन्होंने कि matter जो होता है वो किसकी तरह, radiation की तरह, जहां पर हमने क्या बोला कि Maxwell ने बोला आपका radiation wave की form में, Planck ने बोला वो जो radiation आ रहा है वो particle की form में। okay, और उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं कि वो जो radiation है वो पार्टिकल और आपका वेव दोनों की फॉर्म। ओके,
तो उसी रेडिएशन की भांति डी ब्रोगली ने कहा कि जो मैटर है आपका पदार्थ है उसका भी दो तरह का बिहेवियर होता है, यानी वो वेव की तरह भी बिहेव करेगी और आपकी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी। ओके, जैसे हम सिंपल आप कभी किसी चीज की पिक्चर लेते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है जब वो वस्तु चल रही है तो आपको एक साथ कई इमेजेस बनते हुए दिखती है उसकी चलते हुए। सपोज कोई इंसान है वो चल रहा है, एक ही इंसान है चल रहा है, तो आपको इस तरह से एक के बाद एक ही इंसान की इस तरह से अलग अलग पिक्चर दिखाई देती है, इस तरह से शफल करते हुए, जिनको आप क्या कहते हैं कि ब्लर इमेजेस आ गई है एक साथ, क्योंकि वो इंसान मूव कर रहा है या आपने कैमरे को क्या किया है, हिलाया है, कैमरे में किसी प्रकार का मूवमेंट हुआ है उसके कारण इस तरह की। तो ये क्या है, ये वेव ही तो है, वेव प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो इस तरह से मैटर का वेव आपका नेचर होगा। पार्टिकल नेचर तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, पार्टिकल तो हमें पता ही है कि वो कण की भांति है एक मैटर। ओके, या आपने कभी बॉल फेंकी है तो आपको बॉल को देखा होगा कि एक साथ कई बॉल्स दिखती हैं आपको, बॉल एक ही होती है लेकिन अगर उसका पिक्चर ले रहे हैं आप तो इमेज जो आएगा उसका उसमें क्या अलग अलग बॉल्स दिखेंगे आपको, तो वो उसका वेव नेचर हो गया और पार्टिकल तो वो अपने आप में है ही मैटर। तो दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, जिस प्रकार वो फोटोन जो कहां से आ रहा है लाइट में प्रोड्यूस हो रहा है, रेडिएशन में हमने फोटोन की बात की, उसमें क्या है मोमेंटम है, संवेग है, हर उस वस्तु में जो मूव हो रही है उसमें मोमेंटम होगा। मोमेंटम का मतलब क्या है, m इंटू वी, यानी उसमें मास है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान के साथ उसकी वेग को अगर उसका प्रोडक्ट निकाल देंगे तो वही उसका मोमेंटम है। तो उसकी बात करें, चूंकि फोटोन में मोमेंटम है साथ साथ में क्या है वेव लेंथ भी है, चूंकि वेव है तो वेव की कोई ना कोई लेंथ भी होगी, तो उसके उसके हिसाब से जो आपका मैटर है या मैटर के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उस इलेक्ट्रॉन में भी क्या होगा, शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि अगर फोटोन रेडिएशन में क्या था, फोटोन था, अगर फोटोन में संवेग है क्योंकि फोटोन में मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, फोटोन का अपना मास भी है। ओके, तो आप वहां से उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा और क्योंकि उसका वेव नेचर है तो उसकी भी अपनी एक वेव लेंथ होगी। ओके, इतनी चीजें उन्होंने बताई। डी ब्रोगली फ्रॉम दिस एनालॉजी गेव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ लैम्डा एंड मोमेंटम पी ऑफ द मटीरियल पार्टिकल। ओके, तो उस मटेरियल पार्टिकल से उन्होंने क्या बोला कि अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या बताएंगे कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, और साथ साथ हम क्या पता करेंगे कि इसका आपका संवेग क्या होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमने बात की कि उस इलेक्ट्रॉन का अगर मास m है, ओके, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वी। ओके, तो यहां पर आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये आपका मोमेंटम हो जाएगा। ओके, तो इतना मोमेंटम होगा उस मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन, जल्दी से ऐसे नोट करेंगे, फिर हम लैम्डा की बात करेंगे, यानी कि वेव की लेंथ कितनी होगी। चलिए इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि जो वेवलेंथ है लैम्डा वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी, संवेग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या समझे इससे, कि अगर संवेग ज्यादा हुआ तो आपका वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ ज्यादा है दैट मीन्स कि संवेग कम होगा। ओके, तो यहां से आपका जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या बनता है,
लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है प्लैंक कांस्टेंट एच अपॉन पी, और पी की वैल्यू जैसे अगर इसको मैं पहली समीकरण मान लूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन वन, पी की जगह क्या ले लेंगे, एम वी ले लेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, ये आपकी डी ब्रोगली समीकरण बन जाती है जो आपको उस वेवलेंथ के बारे में बात बताएगी जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन का होगा. ठीक है, या फिर किसी भी मैटर की बात कर रहे हैं, जनरल किसी भी मैटर की बात कर रहे हैं, तो उस मैटर की वेवलेंथ क्या होगी, प्लैंक कांस्टेंट को अगर डिवाइड कर लेंगे उसके संवेग से तो आपको वेवलेंथ पता चल जाती है. ओके, और यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर बड़ी वस्तुएं हैं, बड़ी वस्तुओं का यानी मैक्रो कंपाउंड जितने आपके आ रहे हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट जिनको कह रहे हैं, जिनका भार ज्यादा है, एम ज्यादा होगा. ओके, एम ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ डिनोमिनेटर में ज्यादा है, जब डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा तो फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब लैम्डा कम हो जाएगी. यानी जो भारी वस्तुएं होंगी उनके लिए लैम्डा की वैल्यू कम है, मतलब वेव छोटी बनेगी. ओके, और वेव छोटी बनेगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या उनका आप क्या वेव लाइक जो उनके स्ट्रक्चर होंगे या बिहेवियर को उतने अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे. लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अगर उनके वेव नेचर की बात करें तो वो बहुत अच्छे से दिखेगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो बहुत कम होगा, तो जब यहाँ बहुत कम वैल्यू आएगी तो ओवरऑल लैम्डा की वैल्यू बहुत अच्छी आएगी, यानी वेव की लेंथ वहां पर बहुत अच्छी होगी. तो क्या समझ में आए, जो आपकी हल्की वस्तुएं हैं या जिनका मास बहुत कम है उनके लिए आपकी वेव लेंथ बहुत अच्छी होगी, यानी वेव के बारे में और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. लेकिन अगर भारी वस्तुएं हैं जिनका मास बहुत ज्यादा है तो उनके लिए वेव का नेचर उतने अच्छे से, ऑल्दो उनके पास वेव है, वेव नेचर है जैसे हमने यहाँ से पढ़ लिया है डी ब्रोगली से, लेकिन उतनी अच्छी वेव की लेंथ नहीं आएगी चूंकि, तो आप वेव के बारे में उतने अच्छे से नहीं समझ पाए. ओके, तो कितना आपको यहाँ पर समझ में आता है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने सबसे पहले डी ब्रोगली का मॉडल पढ़ा, जहां पर उन्होंने ड्यूअल नेचर की बात की मैटर की, यानी जो पदार्थ है वो दो तरह से बिहेव करेगा, आपके वेव की तरह भी, एक तरंग की भांति भी, और कण यानी कि पार्टिकल की भांति भी बिहेव करेगा. ओके, साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो वेव की भांति बिहेव कर रहा है तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि वो वेलोसिटी में है या एक्सीलरेट हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये उन्होंने समीकरण दी डी ब्रोगली ने, जिसको कि जिससे कि हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं, मोमेंटम आपका अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार भारी वस्तु के लिए यहाँ पर कार्य करेगा आपका ये जो इक्वेशन है, और किस प्रकार हल्की वस्तु यानी क्या बताएगा ओवरऑल, कि जो भारी वस्तु है उसकी वेव नेचर को समझना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, या आप क्या कहते हैं कि उसमें उतनी अच्छी वेव्स नहीं बनती, वेव्स बनेंगी पर उतनी अच्छी नहीं बनेंगी. लेकिन अगर हल्के आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, हल्के आपके एटम्स हैं, तो उनके लिए आप बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या देखते हैं, जो आपकी वेव्स बनती है. ओके, तो इतना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है. फिर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, जो आपका क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. तो यहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास है, वी इज द वेलोसिटी एंड टी इज मोमेंटम. ओके, डी ब्रोगलीज प्रेडिक्शन वाज कंफर्मड एक्सपेरिमेंटली व्हेन इट वाज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगोस डिफ्रैक्शन. जब एक इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगी, डिफ्रैक्शन में जाएगी. अ फेनोमेना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, दिस फैक्ट हैज बीन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाना थोड़ा इजी हुआ. ओके, तो इतना आपको होपफुली यहाँ पर समझ में आ गया होगा. ओके, अपने आने वाले सेशन में हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, और आज के सेशन में हमने बोहर के लिमिटेशंस को पढ़ा, और बोहर के लिमिटेशन क्योंकि वहां पर कमियां आ गई, कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ा, जिसमें हमने ड्यूअल नेचर की बात की मैटर की. ओके, इसको आपको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है,
कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।